मणिपुर में अगले साल होने जा रहे विधानसभा के चुनाव के लिए प्रदेश भाजपा ने बिगुल फूंक दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तथा प्रदेश के चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव आज चुनावी रणनीति पर चर्चा करने के लिए राजधानी इम्फाल पहुंचे हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। मणिपुर में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। एक के बाद एक केंद्रीय नेताओं का राज्य में आगमन भी हो रहा है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय नेता प्रदेश भाजपा नेताओं के साथ विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर सिलसिलेवार बैठक करेंगे। इसके अलावा पार्टी नेता आने वाले दिनों में चुनाव को लेकर सीटों की भी घोषणा कर सकते हैं। मेरा सौभाग्य है कि मेरे को मणिपुर आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मणिपुर भारत का समृद्ध सांस्कृतिक राज्य है और मणिपुर के हमारे खिलाड़ियों ने हमेशा भारत के नाम का गौरव किया है और यहाँ आकर और मणिपुर को प्रणाम करके मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। दो दिन आपके साथ रहूँगा, तसल्ली से बात करूँ। और यहाँ गौर करने वाली बात है कि गठबंधन सरकार का नेतृत्व करने वाली भाजपा इससे पहले साल 2022 के विधानसभा चुनाव में अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है।